हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कुर्ती और पैंट के फैब्रिक को मिक्स करके ये सुंदर सा ड्रेस बनाएंगे। इसमें मैंने पैंट में भी दोनों फैब्रिक को मिक्स किया है और कुर्ती में भी, क्योंकि हमारे पास टॉप का फैब्रिक भी सिर्फ 2 मीटर है और पैंट का फैब्रिक भी सिर्फ 2 मीटर है। तो जब हमने दोनों फैब्रिक को मिक्स किया तभी ये पैटर्न हमारा बनकर तैयार होगा। लेकिन आप सिर्फ इतने कपड़े में मीडियम साइज में ही इसे बना सकते हैं। अगर आपका साइज लार्ज है तो उसके लिए आपको टॉप का फैब्रिक भी 3 मीटर और बॉटम फैब्रिक भी 3 मीटर लेना होगा। पैंट की कटिंग मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर करी है इस वीडियो में। जैसी कटिंग इसमें बताई है सेम वैसी ही कटिंग होगी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। सिर्फ मैंने दोनों फैब्रिक को पहले आपस में अटैच कर दिया, फिर नॉर्मली उसकी कटिंग कर दी। हम आपको इसमें कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग सिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले कलियों को निकाल लेंगे जिससे हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। ये हम आपको कटिंग करते समय ही दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हम आपको एक लेयर पर कली की कटिंग करना बताएंगे। जैसे हम इस पर करेंगे सेम वैसे ही आपको पैंट के फैब्रिक पे करनी है। सबसे पहले आपको फुल लेंथ लेनी है। मेरे मेजरमेंट में फुल लेंथ रहेगी कुर्ती की 44 इंच, जिसमें हम 14 इंच चोली की लेंथ माइनस करेंगे तो लेंथ बची कली की 30 इंच, जिसमें 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे तो टोटल फैब्रिक की लेंथ लेनी है आपको 31 इंच। यहाँ से पूरे कपड़े की लेंथ देखिए 31 इंच है। 31 इंच की लेंथ में मैंने कुर्ती के फैब्रिक से एक लेयर कट कर ली। ये देखिए यहाँ से पूरा फोल्ड है। जितनी इसकी विड्थ थी मैंने विड्थ वाइज बिल्कुल भी कम नहीं किया है, सिर्फ इसको लेंथ वाइज कट किया है। मेरे कपड़े की टोटल विड्थ है 39 इंच। मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए टोटल विड्थ है 39 इंच। पूरे कपड़े को ऐसे ही फैला के रखें। कपड़े को पूरा बिछा के रखें, फिर इस पे एक बार प्रेस कर लें, जिससे अगर आपके कपड़े में सिलवटें होंगी तो वो निकल जाएंगी, कपड़ा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। जैसा कि आपको बताया, इस कपड़े की टोटल विड्थ है 39 इंच। एक लेयर से हम 5 कली निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक है तो इसीलिए हम इसे 5 कली में कट करेंगे। 39 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आया 7.5 इंच, जिसमें आपको 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है तो टोटल हो गया 10.5 इंच। नीचे से कली की विड्थ 10.5 इंच लेंगे तो हम एक साइड से 10.5 पे मार्क करेंगे और मेरे मेजरमेंट में फुल वेस्ट का साइज है 30 इंच। इसमें टोटल हमें 12 कली रखनी है तो फुल वेस्ट के साइज को 12 से डिवाइड करेंगे, जिसमें 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे तो टोटल हुआ 3.5 इंच। अब इसके जस्ट सामने वाले पोर्शन पे, यहाँ पे नीचे से कली की विड्थ रखी हमने 10.5 इंच। 10.5 का हाफ हुआ 5.25 इंच, तो पहले हम 5.25 पे लगाएंगे निशान। अब इस निशान से 3.5 पे लगाएंगे, जो कि हमने कली का निकाला है ऊपर से, तो 3.5 को ऐसे हाफ कर लेंगे। ये आया 2.25 इंच। 2.25 इंच हमें सेंटर वाले निशान पे रखना है, फिर इधर से निशान लगा देंगे और यहां से 3.5 इंच पे। अब इस वाले निशान को फ्रेंड्स इस वाले निशान से मिलाएं और इधर वाले निशान को बिल्कुल कोने से मिलाना है। इस तरह से अब सेम निशान पे कटिंग करेंगे। ये फैब्रिक वेस्ट है, इसे हटा देंगे। अब इसको उठाएंगे और इधर के लिए घुमा दें, फिर इसको किनारे से मिलाते हुए सेट करें। किनारे से देखिए बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखना है। अब इसी के बराबर से कट कर दें। अब इसमें से फ्रेंड्स आप एक कली को हटा दें और सिर्फ एक कली को रखते हुए ही कटिंग करेंगे। अब फिर से इसको इधर के लिए घुमा दें और वैसे ही किनारे से मिलाते हुए रखें। अब इसी के बराबर से कट कर दें। अब फिर से इसमें से सिर्फ एक कली लें और इसे इधर के लिए घुमा दें।
किनारे से मिलाते हुए रखा, अब इसी के बराबर कट कर दें। अब फिर से सिर्फ एक कली लें। अब इस वाली कली को इधर के लिए घुमा लें और किनारे से मिलाते हुए रखें। ये वाला वेस्ट है, इसे हटा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, दो कली ये हो गई, तीन, चार और एक पांच, पांच कली हमारी निकल आई है। सेम ऐसे ही आपको पैंट के फैब्रिक से भी पांच कली कट करनी है। जैसे हमने एक लेयर निकाल के इस पे कट किया, सेम वैसे ही मैंने पैंट के फैब्रिक पर भी पांच कलियां कट कर ली हैं। टोटल हमारी ये 10 कली हो गई। अब हमें सिर्फ एक एक और कली चाहिए, एक पैंट के फैब्रिक से, एक टॉप के फैब्रिक से। तो उसके लिए आप दूसरी लेयर को अलग से कट नहीं करें, आपको पूरा कपड़ा लेना है और इस कपड़े को पूरा खोल लें, जिससे आपका कपड़ा लेंथ वाइज पूरा मिल जाएगा एक साइड से। इस कपड़े को रखते हुए इस पर सिर्फ एक कली कट करके निकाल लें, जिससे हमारा एक कपड़ा पूरा लेंथ वाइज बचेगा, तो आप उससे अपनी पैंट इजीली निकाल सकते हैं। तो सेम मैं भी इसमें एक कली दोनों फैब्रिक से निकाल लूंगी। सारी कली को आपस में अटैच कर दिया है, एक साइड पैंट की कली रखी है और एक साइड टॉप की कली रखी है। इधर से भी कपड़े को फोल्ड कर दिया है और इस तरफ से भी कपड़े को फोल्ड कर दिया है। नीचे से भी पतला सा मार्जिन लेते हुए कपड़े को फोल्ड करना है। घेर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम चोली बनाएंगे, तो उसके लिए आपको एक लेयर पैंट के फैब्रिक से लेनी है और दो लेयर टॉप के फैब्रिक से लेनी है। इन तीनों लेयर को एक बराबर से रखना है, फिर सेंटर से फोल्ड करें। इसमें आपको पहले ही बताया है फ्रेंड्स, चोली की लेंथ रखेंगे हम 14 इंच, जिसमें 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो यहाँ से पूरे कपड़े की लेंथ है 15 इंच। आर्म होल की लेंथ शोल्डर का हाफ लेना है। फुल शोल्डर है मीडियम साइज में 14 इंच, जिसका हाफ हुआ 7 इंच। तो यहाँ से 7 पे लगाएंगे। सेंटर की प्लेट लेंथ आती है मीडियम साइज में 9 इंच पर, जिसमें हाफ इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो 9.5 पे सेंटर की प्लेट लेंथ लेंगे। मेरे मेजरमेंट में फुल चेस्ट का साइज है 36 इंच, जिसका 1/4 हुआ 9 इंच। सेंटर से 9 इंच पे लगाएंगे। मेरे मेजरमेंट में फुल वेस्ट का साइज है 30 इंच, जिसका 1/4 हुआ 7.5 इंच। 1 इंच प्लेट के लिए ऐड करेंगे, तो यहाँ से 8.5 पे लगाएंगे। इस निशान को यहाँ से मिलाएं। यहाँ से मेरा कपड़ा बच रहा है टोटल 0.25 इंच का, तो हम इसे पूरा ही रख लेंगे सीम अलाउंस के लिए। मीडियम साइज में फुल शोल्डर होता है 14 इंच का, जिसका हाफ हुआ 7 इंच, 0.2 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो यहाँ से सेंटर से 7.25 पे लगाएंगे और यहाँ से शोल्डर का हाफ 7 इंच पे। इस निशान को यहाँ से मिलाएं, यहाँ पे आर्म होल का शेप दे। सेंटर की प्लेट 3.5 इंच पे डालेंगे। नेक की विड्थ लेंगे 3 इंच। यहां से शोल्डर 1/2 इंच डाउन कर दे। इस निशान को यहां से मिलाए, यहां से आर्म होल तक कटिंग कर दे। यहां पे कट लगा दे। अब इसमें से एक लेयर हटा दे। ये वाली एक लेयर हटा देंगे। एक लेयर टॉप की और एक लेयर बॉटम की लेनी है। फिर इसे सेंटर से फोल्ड करके वैसे ही रखें। मेरे मेजरमेंट में फ्रंट नेक की लेंथ रहेगी 7 इंच, जिसमें 1/2 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो इस निशान से तिरछे में ऐसे 7.5 पे निशान लगाएंगे। यहां से भी नेक की विड्थ 3 इंच पे लगाएंगे। अब इस निशान को यहां से मिलाएं। अब इसमें हल्की सी गहराई कर देंगे। इस निशान से पीछे के लिए 1 इंच पे निशान लगाएं। इसे यहां से मिलाएं। यहां पे आर्म होल का शेप दे। अब इस पे कटिंग करें। अब सेंटर से खोल के रखें।
नीचे बॉटम का फैब्रिक आपको सीधा रखना है और इसके ऊपर टॉप का फैब्रिक आपको ऐसे उल्टा रखना है। यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएं। अब इस निशान को इस निशान तक मिला देंगे। अब बिल्कुल इसी निशान पे कटिंग करें। हम सिर्फ इस तरफ प्लेट डालेंगे, इस तरफ प्लेट नहीं डालनी है। तो इधर से प्लेट का मार्जिन जो 1 इंच ऐड किया है उसे कम कर देंगे। यहाँ से 1 इंच पे लगाएंगे निशान और इसे कट कर दें। ये पार्ट घूम के ऐसे आ जाएगा। इस वाले पीस को हटा दें। इस वाले पीस पे डोरी लगाएंगे तो यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएं और इसे कट कर दें। अब इसमें सेंटर की प्लेट डाल लेंगे। सेंटर वाली प्लेट को ऐसे पकड़ें और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेके सेंटर वाली प्लेट ऐसे बना देंगे। जैसे हमने इधर प्लेट बनाई सेम वैसे ही इधर वाले पार्ट में इस तरफ बना दी है। सेम ऐसे ही आपको बैक पार्ट में भी बना लेनी है। यहाँ पे देखिए नेक की विड्थ का कट लगा हुआ है तो यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ से डेप्थ रखेंगे नेक की 3 इंच। अब इसमें राउंड शेप दें, सेम निशान पे कटिंग करें। इसके ऊपर फ्रंट के पीस उल्टे रखें, शोल्डर अटैच कर दें। फिर इसको सीधा कर लिया। अब आपको पहले 2 डोरी बना लेनी है। मैंने यहाँ पे थ्रेड से 2 डोरी बना ली हैं। पहले हम 1 डोरी को लेंगे और इस डोरी को सीधी तरफ से ही यहाँ पे ऐसे रखें। फिर आपको क्रॉस पट्टी लेनी है, इसे सेंटर से फोल्ड करें और यहाँ से इसको ऐसे रखें। सीधी तरफ से ही रखना है फ्रेंड्स। क्रॉस पट्टी को खींचते हुए ऐसे बराबर मिलाएंगे, नेक के इसी शेप में इसको बराबर मिलाते हुए अटैच कर देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इतना मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। अब इस वाली पट्टी को पीछे की तरफ पलट दें इस तरह से और यहाँ से बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा दें। कॉर्नर पे इसको ऐसे पलट देंगे तो ये फिनिशिंग से देखिए फोल्ड हो जाएगा। ऐसे हल्का सा दबा देंगे कोना। इस तरह से पूरी पट्टी देखिए पलट ली है फ्रेंड्स। बैक पार्ट को सीधा रखें, इसके ऊपर ये वाला पार्ट पहले उल्टा रखें। फिर यहाँ से आपको दूसरी डोरी लेनी है और इसके जस्ट सामने रखनी है। अब इसके ऊपर ये वाला पार्ट रखें और साइड से फिटिंग की सिलाई लगा दें। इस तरफ से ऐसे मिलाते हुए फिटिंग की सिलाई लगाएं। अब स्लीव्स के लिए कपड़े की 2 लेयर लें, फिर इसे सेंटर से फोल्ड करें। स्लीव्स की लेंथ रखी है मेरे मेजरमेंट में 12 इंच, 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड किया है। कपड़े की फुल लेंथ 13 इंच है। यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएं। आर्म होल की लेंथ रखी थी 7 इंच तो यहाँ से विड्थ भी 7 इंच लेंगे। आगे से 1/2 इंच सीम अलाउंस का ऐड है। यहाँ से गर्थ है 5 इंच। इस निशान को यहाँ से मिलाएं। यहाँ से आगे के लिए 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड कर देंगे। इसे यहाँ से मिला दें। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप दें। ये फ्रंट आर्म होल का है, ये बैक आर्म होल का। बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग कटिंग करें। अब इसे सेंटर से खोल दें, फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दें। अब इसमें से एक स्लीव को लें, पैंट के फैब्रिक से 2 स्ट्रेट पट्टी लें। इसकी विड्थ है 2 इंच। नीचे सीधा रखें, इसके ऊपर स्लीव को सीधा रखें और यहाँ से अटैच कर दें। अब इस पट्टी को नीचे के लिए करें, पीछे से कपड़े को बराबर कर लें, इसे ऊपर के लिए फोल्ड करें, यहाँ से 1/2 इंच अंदर के लिए फोल्ड करें और यहाँ से सिलाई लगा के अटैच कर दें। ये पट्टी अटैच कर दी है, फिर साइड से फिटिंग की सिलाई लगा दी है। दोनों स्लीव ऐसे तैयार करनी है। फिर आपको चोली लेनी है और जिस तरफ देखिए हमने गहराई में कटिंग करी है स्लीव की, उसे फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करना है। और जैसे आप अपनी नॉर्मल स्लीव अटैच करते हैं
सेम वैसे ही इन्हें भी अटैच करेंगे। इस तरह से मिलाते हुए राउंड में अटैच कर दें। दोनों ही स्लीव को मैंने लगा दिया है, अब इसमें घेरे को अटैच कर देंगे। जो हमने घेर तैयार किया था उसे लेना है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, स्लीव अलाउंस के लिए मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था। ये हमने कुर्ती सिर्फ 2-2 मीटर कपड़े में बनाई है, जिसमें मैंने पैंट भी तैयार किया है और कुर्ती भी बनाई है। तो कम कपड़े के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट का मार्जिन लेके कलियों को अटैच किया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत कम मार्जिन मैंने लिया है, ओवरलॉक भी कर दी है जिससे कलियाँ बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। तो कम मार्जिन लेके जब अटैच किया तो जो हमारे कमर की जो विड्थ है, यहाँ से हमने जो इसकी चौड़ाई रखी है वो हमारी वेस्ट से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो भी हम आपको इस पे रख के दिखाएंगे। यहाँ से इसको मिलाते हुए अटैच करना है। ये वाला हिस्सा इधर के लिए हटा देंगे और इसको ऐसे राउंड में मिलाते हुए अटैच करेंगे। यहाँ से देखिए इसकी विड्थ लगभग इतनी बढ़ गई। यहाँ पे हमारा जॉइंट आ रहा है फिटिंग का, लेकिन इसकी विड्थ एक्स्ट्रा इतनी बढ़ गई, 2 कली हमारी अंदर के लिए आ जाएंगी। कली की कटिंग आप जब भी करेंगे वेस्ट से उसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ जाती है तो हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसको अटैच करते हैं। लेकिन आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए अटैच नहीं करना है, बल्कि आप पतला पतला सा मार्जिन लेते हुए इसको अटैच करें, जिससे आपकी भी कली ऐसे बढ़ जाएगी अंदर के लिए। पहले हम इसको अटैच कर देते हैं, उसके बाद इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। घेरे को टॉप के साथ मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। यहाँ से स्टार्ट किया अटैच करना और इसको बैक साइड से घुमाते हुए इधर तक अटैच कर दिया है। मेरा घेरा यहाँ तक आया है। जो हमारी देखिए सेंटर की ये वाली प्लेट पड़ी है इससे लगभग 2 इंच आगे के लिए ही आया है, जिससे हम जब ये वाला पार्ट इसके ऊपर ऐसे रखेंगे तो हमारा पूरा पोर्शन यहाँ पे कवर हो रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए हमारा यहाँ पे ऐसे खाली हो जाएगा तो इसको हम अटैच करेंगे। पहले फिटिंग वाली सिलाई से इसको बराबर से ऐसे मिलाते हुए सेट करेंगे। हम इसको पूरा अटैच नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे ओपन अंगरखा का डिजाइन देना है। जहां तक देखिए ये वाली कली जहां तक अटैच है इसको हम सिर्फ वहां तक ही मिलाएंगे। इतना हिस्सा हम खुला रखेंगे जिससे हमारा ओपन अंगरखा में ये डिजाइन आ जाएगा। यहां से इसको ऐसे मिला लेंगे। देखिए इस तरह से मिलाना है। सिर्फ हम इसको यहां तक ही अटैच करेंगे। यहाँ पे अच्छे से सिलाई को लॉक करते हुए सिंपल इसको यहाँ तक अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने इसको अटैच कर दिया है और ये वाला पोर्शन इधर से इतना खुला रखा है, बस यहाँ पर सिर्फ ओवर लॉक कर दिया है। इससे हमारा ये वाला जो डिज़ाइन है वो ओपन अंगरखा में आ रहा है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स जो भी हमारे ओपन अंगरखा कुर्ती होती हैं उसमें जो इधर का पोर्शन होता है वो इस तरह से झोल खाता है। जब हम उसको वेयर करते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है वो नीचे के लिए लटक जाता है, लेकिन मैंने इसको यहाँ तक अटैच कर दिया है जिससे इसमें यहाँ पर सपोर्ट मिल गया, जिस वजह से आप जब इसको नॉट लगाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे के लिए नहीं लटकेगा, फिटिंग अच्छी आएगी। और मैंने डोरी में इस तरह से लटकन फैब्रिक के बनाकर लगा दिए हैं। अब ये पूरी कुर्ती तैयार है और मैंने यहाँ पर सिंपल प्लाजो पैंट भी बना लिया है। बॉटम पे पैंट का फैब्रिक अटैच किया है, टॉप पर कुर्ती का फैब्रिक अटैच किया है, जिससे देखिए इसका भी कुछ अलग डिज़ाइन बन गया है। इसमें सिर्फ मुझसे एक गलती हो गई। आप यहाँ से देखिए पूरी कुर्ती में कुर्ती का जो फैब्रिक है वो ज़्यादा यूज़ हुआ है पैंट के फैब्रिक के अकॉर्डिंग, जिस वजह से फ्रेंड्स यहाँ से देखिए एक तरफ मुझे पैंट का ही फैब्रिक अटैच करना पड़ा। मैंने भी इस कुर्ती को फर्स्ट टाइम बनाया है इसलिए मुझसे ये गलती हो गई, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिएगा जो हमने स्लीव्स अटैच करी हैं इस कुर्ती में, आप वो स्लीव्स कुर्ती के फैब्रिक से ना अटैच करके पैंट के फैब्रिक से अटैच करेंगे तो आपका जो स्लीव्स में फैब्रिक यूज़ हुआ है वो बच जाएगा, जिससे आप इसको इधर साइड अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास नहीं बचा था, पैंट का ही फैब्रिक अटैच करना पड़ा, जिस वजह से मेरा ये डिज़ाइन थोड़ा सा यहाँ पे बिगड़ गया। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सिर्फ देखिए इतना सा ही फैब्रिक कम पड़ा है जो कि हमारा स्लीव से मिल जाता,
तो आप बस इसमें इतना ही करना, स्लीव्स जो हैं वो पैंट के फैब्रिक से ही अटैच करना, जिससे हमारे पैंट में बिल्कुल इवन डिज़ाइन आएगा। इस बात का फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, जो मुझसे गलती हुई है वो आप बिल्कुल भी ना करें। स्लीव्स जो हैं वो पैंट के फैब्रिक से अटैच करें, जिससे पैंट का जो डिज़ाइन है वो इस तरह से आएगा। अब मैं जब इसे वेयर करूँगी तो ये वाला हिस्सा जो है वो इधर के लिए ही रखूँगी, जिससे इसका डिज़ाइन ऐसा दिखाई देगा, और जो ये वाला हिस्सा है उसे अंदर के लिए कर देंगे, जिससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान में रखना। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स, हमने इसे सिर्फ 4 मीटर कपड़े में तैयार किया है। 4 मीटर कपड़े में अंगरखा कुर्ती बनाना और पैंट भी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आपने देखा, मैंने पूरी कटिंग करके आपको दिखाई, इसे बनाना बिल्कुल आसान है। लेकिन 4 मीटर कपड़े में आप सिर्फ मीडियम साइज़ में बना सकते हैं, जो मैंने आपको साइज़ दिखाया सिर्फ उतने तक। मेरे मेज़रमेंट में चेस्ट राउंड भी 36 इंच था और हिप राउंड भी 36 इंच था, तो इसलिए ये कुर्ती 4 मीटर कपड़े में ईजिली बन गई। अगर आपका 38 है, 40 है या 42 साइज़ है, तो उसमें आप 3-3 मीटर कपड़ा लें, जिससे आप ये कुर्ती और पैंट ईजिली बना लेंगे। लेकिन 4 मीटर कपड़े में हमने इसे तैयार किया है मीडियम साइज़ में। अगर मेरा डिज़ाइन और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी और नई वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। मेरे चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।